Cool man. Yo, whoa. हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताऊंगा। फर्ज करें एक फैमिली है जिसमें एक बाप एक माँ है जिसने मिलकर 5 बच्चे पैदा की। अब आपको पता है वो 5 बच्चे इन माँ बाप का प्यार कैसे हासिल करते हैं, या ये जो माँ बाप हैं इन 5 बच्चों को अपना प्यार कैसे डिवाइड करके देते हैं? आइए मैं आपको बता दूँ। शुरू के जो 2 बच्चे होंगे ना, उन पर बहुत प्रेशर होगा कि बेटा तुम्हें ही करना है जो करना है, इस घर का नाम तुम्हें ही रोशन करना है जो करना है, बाकी जो है चिलिंग्स करेंगे तुम्हारी कमाई, तुम दोनों को मेहनत करके कुछ करना है। दूसरे जो होंगे 2, वो चाहे बड़े से बड़ा जुर्म कर लें लेकिन चुटकियों में कट लेंगे, और माँ बाप बस यही कहेंगे कि क्या हो गया, अभी वो सीख रहा है, तुम्हें समझाना चाहिए ना, तुम्हें उसकी इसलाह करनी चाहिए। चाहे वो कितनी भी गलती कर दें, एंड अप आपकी गलती होगी। और एक होगा जो बेचारा इतना इग्नोर्ड होगा कि अगर उसके माँ बाप से पूछा जाए कि ये भी आपकी औलाद है तो वो बोलेंगे अरे तुम कब हुए, या वो बेचारा इतना इग्नोर्ड होगा दैट ही विल एंड अप बीइंग अ टिकटॉकर और अ यूट्यूबर। ओह, सेल्फ बर्न, दोस आर रेयर। तो वैसे ही हमें कुछ आईडीज मिली हैं जो लग रहा है सफल लग रहा है कि घर में इनकी कोई इज्जत नहीं है, बहुत ही ज्यादा इग्नोर्ड है ये लोग और डेस्परेट है फॉर फ्यू। तो आइए उनकी वीडियोस पे साथ मिलके रिएक्ट करते हैं जरा। टी टी अगर प्यार उनसे ना मिले जिसे आप चाहते हैं तो प्यार उनको देना जो आपको चाहते हैं। ना मारेगी दीवानगी मेरी। व्हाट, लेट्स रोल प्ले। बस बहुत हो गया, जब देखो तुम मुझसे लड़ती रहती हो। अरे सुनो तो, कुछ नहीं सुनना मुझे, पानी सर के ऊपर से चला गया है भाई, स्पाइक से कैसे जाएगा। हाँ मुझे ब्रेकअप करना है। बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा है, कर लेना लेकिन क्या, सर्दियां तो खत्म हो जाने दो। बेबी मैं बाहर जा रहा हूं। छी, क्या हुआ, मुझसे साड़ी, हाँ मुझे साड़ी में बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, बॉडी पर रैश भी पड़ गए हैं। एक्टिंग चेक करें, क्या एक्टिंग कर रहा है, नेक्स्ट डे माँ देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूं, जीन्स टॉप शॉर्ट्स, व्हाट द हेल इज इट डूइंग, तू पागल हो गया है। बिल्कुल सही मैंने कहा, इस उम्र में मैं ये सब पहनूंगी तो अब मैं इसका क्या करूं, नो एक्सचेंज नो रिफंड, ये सब बहू को दे दे पक्का। हाँ ये तुम्हारे लिए, आपने मेरे लिए, लड़की नहीं हूं बट आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन। हाँ दे देते यार, घर वाले अटेंशन दे देते इसको। पापा शादी के लिए नहीं मान रहे, किसी और से मेरी शादी फिक्स हो गई है। ओह माय गॉड, कितना दुख, भाग चलते हैं, चलो ना, चल मिलो, नहीं क्यों, कल को जब हमारी बेटी होगी, व्हाट द हेल, कल को जब हमारी बेटी होगी क्या सोचेगी, पापा ने किसी की बेटी को भगा के उसके बाप को तकलीफ दे दी। बेटा इतना आगे कहां सोच रहे तू, कहां सोच रहे इतना आगे, भागा तो जानी ना तुझसे। अच्छा मजे की बात ये लोग एक कैमरे के साथ इतना रोमांस कर कैसे सकते,
कैसे? जल्दी घर आना, आई एम वेटिंग, लव यू, मीट, लव यू टू, सच अ डम वाइफ. भैया मैं तो प्रेग्नेंट हो गया आपकी वीडियोस देख के. सी ऑफ किसिंग है, क्राय आ गया. भाई मारो मुझे, मारो. अबे बंद कर, जो बात है. कौन हो तुम? ओए कुल्फी, सही बोल, बिल्कुल. आई एम विथ यू ब्रो. हे मैं ऑफिस आ गया हूँ, आपका ब्रेकफास्ट मैंने बना दिया है, खा लेना. और काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मेट आती ही होगी. मैं ऑफिस से आके आपके लिए डिनर बना दूंगा. अबे भाई तू नौकरी कर ले, नौकरी कर ले तू. तुम बस अच्छे से रेडी होकर रहना, मुझे देखना है तुम्हें. प्यासे, वो प्यासे, नौकरी तो कर ले, प्रमोशन तो हासिल कर ले, वो है घर में, चिल. और आते, अबे कितनी बात करेगा, और मतीरा का और हो गया तो. और आते हुए मैं आपकी फेवरेट मोमोस लेता आऊंगा. आई लव यू, इतना सबका. और लड़की ने बोला आई लव यू. ये अम्मा से कौन ऐसी बातें करता है भाई, बदतमीज. माँ को छेड़ता है. आपको तो पता है जब मैं झूठ बोलता हूं तो आग मारता हूं. वो तो मुझे पता है, मैंने तो बस ऐसे ही मार दिया. मेरे बोले बाले देव, वैसे मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है, सुंदर, सुशील, खानदानी, खानदानी. और इसे मिल जाए, खुश कितना हो गया, कितना खुश हो गया प्यासे. मेरी शादी होगी, हनीमून भी होगा. मिस्टर आरुष, आरुष वर्जिन पार्ट 12, भाई पार्ट 1 का है. यस डॉक्टर. शेरिया, शेरा को होश आ गया. ओके थैंक यू डॉ. स्पेलिंग देखो भाई, स्पेलिंग देखो, और कुछ ना देखो. सब ठीक हो जाएगा. ये लो, ये क्या है? एंगेजमेंट रिंग. अब नहीं चाहिए मुझे. क्यों? क्योंकि आई एम रेप्ड, पैरालाइज्ड, आई डोंट डिजर्व यू नाउ. क्या बोलेगी सारी सोसाइटी आपके लिए? कौन सी लड़की इसकी इज्जत की इतनी फिक्र कर रही है भाई? चुप, चुप. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा रेप हुआ, तुम पैरालाइज्ड हो, तुम वर्जिन नहीं हो. अबे भाई क्या क्या बोल रहा है. फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मेरी हो. क्रिंज एज फक. ओह शिट, देयर बी ब्लड. टेंस ले लो, आइस लगा दो बस. पेन हो रही? नहीं नहीं, आई एम ओके. सुनिए, आइस तो ठंडी होती है हाथों, अगर ब्लड आइस बन गया तो. बात तो सही है वैसे. बात तो सही है. आप मुझे फट्टू? हाँ तो तुम हो, कहने की क्या बात है. आप इतने हो तो ये ओपन करके दिखाओ जरा. पकड़ाओ इधर फट्टू कहीं की. अबे बस कर दे, पाद ना निकल जाए तेरा. कर क्या रहा है? ये क्या है? ग्लू लगाई हुई है. उल्लू बना, बड़ा मजा आया. हर वक्त शरारते, हर वक्त इंसान भी बन जाया करो कभी. तू तो बन जा पहले. पूरे दिन लड़ती रहती हो, और कोई काम आता भी है? ओ शिट, रोने लग गई फिर से. अच्छा सॉरी सॉरी,
पियो पियो पानी पियो। नहीं पीना मुझे, कुछ खा जाओ, आपको मेरी कसम पी लो, है अपने हाथों से पिला दो, दफा हो जाए, बात ना करना आइंदा मुझसे। अच्छा ना, सॉरी जॉन। यार ये क्या कंटेंट है यार, आई एम डन और मैं रिएक्ट नहीं कर सकता। आई होप आप भी डन हो चुके होंगे। तौबा, खैर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।